संत लूकस लिखे सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या है 12 से 14 तक। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 14 वचन संख्या 12 से 14 में यीशु नम्रता और उदारता के बारे में सिखाते हैं। वह हमें उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमें वापस नहीं चुका सकते, बजाय उन लोगों को बुलाने के जो हमें प्रतिदिन दे सकते हैं या हमारी स्थिति बढ़ा सकते हैं, या उनके निस्वार्थ प्रेम और जरूरतमंदों के प्रति देखभाल के संदेश का हिस्सा है। यह वचन है। फिर यीशु ने अपने मेजबान से कहा, जब तुम भोजन या रात्रि भोजन दे रहे हो तो अपने मित्रों, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों या अपने अमीर पड़ोसियों को मत बुलाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो वे तुम्हें वापस बुला सकते हैं और इस तरह तुम्हें प्रतिदान मिल जाएगा। पर जब तुम भोज दो तो गरीबों, अपंगों, लंगड़ों, अंधों और को बुलाओ और तुम धन्य होगे। यद्यपि वे तुम्हारा प्रतिदान नहीं कर सकते, तुम्हें धर्मियों के पुनरुत्थान में प्रतिफल मिलेगा। उदाहरण स्वरूप, बिना प्रतिदान के आशा के देना। यीशु यह सिखाते हैं कि सच्ची उदारता का अर्थ है बिना किसी वापसी की उम्मीद के देना। वह अपने अनुयायियों को उन लोगों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करते हैं जो उनका प्रतिदान नहीं कर सकते, क्योंकि यही सच्चा निस्वार्थ प्रेम है। कल्पना कीजिए कि आप एक रात्रि भोज आयोजन करते हैं और अपने करीबी दोस्तों या प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित करने के बजाय आप उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं जो कठिनाई में हैं, जैसे आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला है, या किसी का रोजगार छूट गया है, या कोई वृद्ध व्यक्ति जो दूसरों के साथ नहीं रह पाता। हो सकता है कि वे आपको वापस आमंत्रित ना कर पाए, लेकिन अपने निस्वार्थ भाव से उनके सहायता की है। सांसारिक इनाम से परे आशीर्वाद यीशु एक ऐसे प्रतिदान का वादा करते हैं जो भौतिक या तात्कालिक नहीं है, बल्कि एक धर्मियों के पुनरुत्थान में प्राप्त होने वाला पुरस्कार है। वह एक गहरे आध्यात्मिक आशीर्वाद की और इशारा कर रहे हैं जो सच्ची उदारता से मिलता है। उदाहरण स्वरूप, किसी अनाथालय में स्वयंसेवा करना या गुप्त रूप से किसी जरूरतमंद को दान देना। आप अपने समय या संसाधन उन लोगों को देते हैं जो आपको लौटा नहीं सकते। यहाँ पर सार्वजनिक पहचान या प्रतिपक्ष लाभ नहीं है, लेकिन आपको यह संतोष मिलता है कि आप अपने किसी की मदद की। यीशु की शिक्षा के अनुसार यह एक स्वर्गीय इनाम के समान है। इस प्रकार यीशु नम्रता, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाते हैं। यह शिक्षा हमें सामाजिक दायित्व या स्वार्थ से परे जाकर उन लोगों के प्रति प्रेम और सेवा करने की चुनौती देती है। वो वास्तव में इनकी जरूरत में है। यह है प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो।